हांगकांग में पत्नी को पसंद आई ऐसी चीज जो IGIA पर बन गई पति की मुसीबत। अरेस्ट के साथ दोनों पर हुई बड़ी कार्यवाही। हांगकांग में पत्नी की हर चाहत को पूरी करने की कोशिश एक पति को काफी भारी पड़ गई। दरअसल एक भारतीय दंपति छुट्टियां मनाने के लिए हांगकांग गया था। हांगकांग में मौज मस्ती के दौरान पत्नी जिस चीज पर हाथ रखती पति उसे खरीदता चला जाता। खरीदारी के सिलसिले के बीच पत्नी ने एक ऐसी चीज खरीद ली जो वतन वापसी पर न केवल उनके लिए उसके पति के लिए मुसीबत का सबब बन गई। हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचते ही इस दंपति को गिरफ्तार कर सारा सामान जब्त कर लिया गया। कुछ इस तरह कस्टम की रडार में आया दंपति। कस्टम के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह दंपति हांगकांग से आने वाली इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6C1708 से IGIA एयरपोर्ट पहुंचे थे। एयरक्राफ्ट से बाहर आने के साथ एयर कस्टम प्रीवेंटिव टीम की निगाह इस दंपति पर टिक गई। इन पर निगाह टिकने की दो वजह थी। पहली, इन दंपति का पहनावा सामान्य से थोड़ा अलग था। दूसरा, यह दोनों पति पत्नी मुंह से कम इशारों से अधिक बात कर रहे थे। इसके अलावा इनकी निगाहें लगातार एयरपोर्ट अराइवल हॉल में तैनात CISF कर्मियों और कस्टम के अधिकारियों को तलाश रही थी। ग्रीन चैनल तक दोनों पर रखी गई कड़ी नजर। कस्टम के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार दंपति की हरकतों पर शक होने के बाद एयर कस्टम प्रीवेंटिव के अधिकारियों ने ग्रीन चैनल तक दोनों पर कड़ी नजर बनाए रखी। ग्रीन चैनल क्रॉस करते ही इस दंपति को जांच के लिए रोक लिया गया, जिसके बाद दोनों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पाया गया कि दोनों ने खास तौर पर सिले हुए कपड़े पहने हुए थे। इन कपड़ों में अलग से लेयर बनाकर उसके भीतर स्पेशल पॉकेट्स बनाई गई थी। इन स्पेशल पॉकेट्स के भीतर से कस्टम के अधिकारियों ने दो घड़ियां और एक खास तरह का पाउडर बरामद किया गया। घड़ियों की कीमत जान दंग हो जाएंगे आप। कस्टम के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस दंपति के कब्जे से बरामद दोनों घड़ियों की कीमत किसी को भी चौंकाने के लिए काफी है। वैल्यूएशन के दौरान इन घड़ियों और पाउडर की कीमत 72,30,173 रुपए आकी गई है, जिसकी दोनों घड़ियों की कीमत करीब 30 लाख तक हो सकती है। कस्टम अधिकारी के अनुसार इस दंपति के कब्जे से बरामद किया गया खास तरह का पाउडर ओस्मियम पाउडर है। एयर कस्टम प्रीवेंटिव की टीम ने इनके कब्जे से बरामद सामान जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दोनों से अभी पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है।